तो वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और इसी बीच पंचायत चुनावों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरपंच प्रत्याशी की वोटिंग से 10 दिन पहले ही मौत हो गई। जब ग्रामीणों ने बैलेट पेपर में उसका नाम देखा तो मृतक के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने इसे जिता दिया। मृतक 255 वोटों से विजेता घोषित किए गए हैं। दरअसल ये मामला सागर जिले के देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत खेजरा का है। खजेरा के सरपंच प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने दो अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनाव से ठीक 10 दिन पहले हार्ट अटैक होने से रविंद्र सिंह की बीते 22 जून को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया। वहीं 1 जुलाई को हुए मतदान में अधिकतर ग्रामवासियों ने रविंद्र के पक्ष में वोट किया और उन्हें 250 से अधिक मतों के अंतर से जीत दिलाई। रविंद्र सिंह हमारे छोटे भाई थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव से करीब 8-9 दिन पहले हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं सागर जिले के देवरी ब्लॉक की कंजेरा पंचायत में सरपंच की जीत पर पेंच फंस गया है। दरअसल कंजेरा पंचायत में सरपंच पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वोटिंग से 10 दिन पहले एक प्रत्याशी रविंद्र सिंह को 22 जून को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। और बताते चले कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 से पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बघेल सिलसिलेवार सूबे की 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और अब सूबे के मुखिया के दौरे का कारवा बिलासपुर संभाग में पहुंच चुका है, जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम बघेल ने सबसे पहले नागेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और देवी से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय पहुंचे और परिसर में स्थापित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर भेंट मुलाकात के जरिए सीएम बघेल ने जनता की समस्याओं पर जन सुनवाई की। बढ़ते आगे जहां निवाड़ी में नोट और लड्डू बांटकर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। नोट और मिठाई बांटने का ये वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। घटना का पता चलने के बाद विपक्षी और ग्रामीणों में रोष है और भारी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे हैं और मामले की शिकायत की गई।